हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आखिर पढ़ने का बेहतरीन मेथड क्या होना चाहिए जिससे हमारी आउटपुट भी अच्छी हो और हम जो पढ़े उसका इंपैक्ट भी हो, तो आज हम ये स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। आप अभी से ईयरफोन लगा लो, वीडियो को पूरा सुनना है, एंड तक सुनना है, बड़ी काम की बातें इसमें होने वाली है। तो चलिए मैं आपके सामने से हट जाता हूं ताकि आपका पूरा फोकस अपने सिस्टम पर रहे, अपने मोबाइल पर रहे, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो बाय। देखो बच्चे लोगों, आप में से हर एक बच्चा या तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहा होगा, या VLW की तैयारी कर रहा होगा, या SSC CHSL की तैयारी कर रहा होगा, या MTS की तैयारी कर रहा होगा। कोई भी पेपर हो, किसी भी पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नंबर वन प्रायोरिटी जो है वो क्या है, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए और स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक होना चाहिए। क्या स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक होना चाहिए? ऐसा ना हो कि आप इतना कुछ पढ़ लो, इतना पढ़ लो, मगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ना हो तो क्या फायदा। तो नंबर वन स्टडी मटेरियल होना चाहिए और वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल नंबर वन चीज। अब नंबर दो देखिए, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल अगर आप हमारे जॉब्स अड्डा के पेड बैच में हैं तो आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करी होगी। अगर कहीं पे भी आप XYZ किसी भी पेड बैच में हैं तो नो इशू, आप अक्रॉस इंडिया में कहीं पे भी किसी भी पेड बैच में हो, मगर होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो वो भी चलेगा, मगर यह भी देखना जरूरी है क्या आपका जो YouTube ट्यूटर है क्या वो किसी जगह पे ऑफलाइन पढ़ाता है, क्योंकि जब ऑफलाइन टीचर पढ़ाते हैं तो उनका तजुर्बा कई गुना अच्छा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो डेली ऑफलाइन बच्चों से मिलते हैं। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड बैच में हैं तो मोस्ट वेलकम, मुबारक हो आपको। नंबर दो, आपने कोई भी कोर्स हमारा लिया होगा, अगर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए हमारी ऐप पे ये वाली तीन लाइंस आपको दिख रही होंगी, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके, एक दो तीन, ये है ना। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक फोल्डर बना हुआ आएगा जिसपे लिखा होगा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। क्या लिखा होगा? ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है तो वेल एंड गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखिए, जब आप यहां पे जाएंगे तो ये है स्टडी मटेरियल का सेक्शन, ये दिख रहा है ना आपको। स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दूं, यहां पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके आपको यहां पे स्टडी मटेरियल मिलेगा। एक बार फिर से, ये हैं तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हमारी ऐप का लोगो। जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, एक बार अपडेट भी कर लेना, आपको यहां मिलेगा स्टडी मटेरियल का फोल्डर। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों आपने स्टडी मटेरियल का फोल्डर यहां पे डाउनलोड कर लिया, ले लिया, तब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने क्या करना है, आप बच्चों ने ज्योग्राफी की PDF ले ली, कोई भी, मैं यहां से कोई एक सब्जेक्ट लेता हूं, आप बच्चों ने ज्योग्राफी की PDF ले ली। अब उस PDF का प्रिंट निकालना बड़ा जरूरी है। आपने प्रिंट निकाल लिया, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आपने एक हफ्ते में वो कंप्लीट कर दिया, जो भी आप पढ़ रहे थे आपने एक हफ्ते में, मिनिमम एक टाइम में आपने कंप्लीट कर देना है। पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हुई है। अब जब आपने वो प्रिंट कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस MCQs करने हैं। जैसे देखो, मान लो आपने इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा तो इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन का MCQ वहां पे बना हुआ है। आपने इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ी
तो इंडिया की फिजियोग्राफी के पीडीएफ वहां पे पड़े हुए हैं, सभी टॉपिक के पीडीएफ वहां पे हैं और आगे हम अरेंज कर रहे हैं। फिर आपने कंप्यूटर पढ़ लिया एक हफ्ते में, एक टाइम पीरियड रखना बड़ा जरूरी है। ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बोलते हो कि भाई मैंने पढ़ना है, मगर जब आप पढ़ने के साथ टाइम पीरियड नहीं लगाओगे आपका वो पढ़ना कोई काम मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया है। तो अब आपने क्या कर दिया, एक हफ्ते में कंप्यूटर भी पढ़ दिया, एक हफ्ते में पीडीएफ वाला ज्योग्राफी भी पढ़ दिया और पीडीएफ प्रिंट निकाल लिया, इसका भी प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, बोर नहीं होना, वीडियो पूरी सुनना। हिस्ट्री का पीडीएफ भी ले लिया, प्रिंट निकाल लिया, प्रैक्टिस कर लिया। उसी तरह आपने रीजनिंग ले ली, मगर याद रखना रीजनिंग के पीडीएफ नहीं मांगना। पता क्यों? रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है ये टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो मैं आपके साथ नाइंसाफी करूंगा। रीजनिंग आपको तभी अच्छे से आएगी अगर आप इसको लिखेंगे, आपने क्वेश्चन लिखे, फिर आपने प्रैक्टिस किया, पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करनी यहां पर जरूरी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपने, यानी कि जो लेक्चर टीचर ने पढ़ाए हैं उनका पीडीएफ नहीं मांगना है, उसके बाद प्रैक्टिस पीडीएफ। जैसे कि मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने जेएनडीके जीके पढ़ ली, जेएनडीके जीके का पीडीएफ ले लिया हमसे, प्रिंट कर लिया, या अगर आपके पास कोई भी पहले से है तो मोस्ट वेलकम, प्रैक्टिस कर ली तो आपको तैयारी हो गई। ठीक है, अब मैं आपके सामने आ जाता हूं, देखो बोर नहीं होना है। अभी तक मैंने जितना बताया है प्राइमरी मकसद यह है कि आपने, आपके पास स्टडी मटेरियल है। यह मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन तो हम सब बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन में तो हम लिखाते हैं, मेहनत करवाते हैं, मगर ऑनलाइन में आप हमारे सामने नहीं हो तो हमें क्या पता आप घर पर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो अब चलिए फिर से साइड हो जाते हैं। अब आपने बच्चे लोगों को क्या कर दिया, मैथ का भी कोई पीडीएफ नहीं मांगना है, मैथ का भी आपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लिखने और क्वेश्चन सोचना है, और क्वेश्चन सोचने के बाद अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने रीजनिंग पे आपको बताया, आपने इस सभी का प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिस एमसीक्यू हमसे लेने हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैथ के बाद अब आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। क्या बच्चे लोगों, सिलेबस हो गया कंप्लीट, यानी कि अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है या कोई और सब्जेक्ट जो मैं बताना भूल गया, यहां पे सिलेबस हो गया कंप्लीट। यस, सिलेबस करने के बाद अब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी कामयाबी, अब आपने सारा सिलेबस खत्म कर दिया। सिलेबस खत्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या शुरू होता है, अब हम जाएंगे कामयाबी की तरफ। अगर हमने ये कंपोनेंट, ये चीज छोड़ दी तो समझ लो कि हमने पूरा दिन मजदूरी की, जब वक्त आ गया मजदूरी का पैसा लेने का तो हम गायब हो गए। इसलिए कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है एक दिन में, यानी कि हमने एटलीस्ट एक कंप्लीट टेस्ट देना ही देना है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। फिर ये देने के बाद आपने स्पीड बढ़ानी है और 2 टेस्ट देने हैं। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट देने हैं फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन के, पहले आपने 3 दिन तक एक एक टेस्ट दिया, फिर आपने अगले 2 दिन 2 टेस्ट देने हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 4 भी दे सकते हैं, चलिए, मगर आधा नहीं। फिर आप स्पीड बढ़ा के एक दिन में 3 से 4 टेस्ट दे सकते हैं, 3 से 4 टेस्ट आप एक दिन में दे सकते हैं। हो गया इतना, आगे चलते हैं। मगर एक बात याद रखना, जब भी आप टेस्ट दोगे हर टेस्ट का सॉल्यूशन एनालाइज करना है। ये नहीं कि पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर डी, तीसरे का आंसर ही, तो चल हो गया बात, नहीं, आपने सॉल्यूशन को विजुलाइज करना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, आंसर पढ़ने, तब जाके सिलेक्शन होगी।
फिर आगे। अब हमने जनाब टेस्ट भी दे दिए, मगर टेस्ट देने कहां से हैं? टेस्ट देने की तो मास्टर या बात कर रहे हो, टेस्ट देने कहां से हैं? तो टेस्ट कहां से देने, कहां से देने हैं टेस्ट? रुकिए, रुको जरा, सब्र करो, बताते ही टेस्ट कहां से देने हैं। कैसा लग रहा है? रुको जरा, सब्र करो, टेस्ट देंगे, अभी बताएंगे आपको टेस्ट कहां से देने हैं। तो देखो, आपने हमारी वेबसाइट डाउनलोड करी होगी, यानी कि वेबसाइट ना सॉरी वेबसाइट में हमारी एक अलग से ऐप है टेस्ट के लिए, जिसका एड्रेस है www.jobsaddainstitute.com। आपने हमारी वेबसाइट ओपन करी, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पर तीन हॉरिजॉन्टल लाइनों पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और ये सर्कल बटन है, या आप यहां से ऊपर ऊपर की तरफ ड्रैग करके देखो यहां पे गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, और जब आप यहां पे गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे तो यहां देखो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टेस्ट मिलेंगे आपको। अगर आप जेके एसएसबी असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए पढ़ रहे हैं, अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए पढ़ रहे हैं, यहां पे सिर्फ यही टेस्ट नहीं है, इसके अलावा यहां पे एसएससी के टेस्ट भी हैं, यहां पे बैंकिंग के टेस्ट भी हैं, यहां पे जितने भी आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी के टेस्ट यहां पे। तो आपने ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अभी तक मैं ये उम्मीद कर चुका हूं कि आप बच्चों को जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपको पता चल चुकी है कि टेस्ट कैसे देने हैं और उसका आंसर भी विजुलाइज करना है। तो फिर प्यारे बच्चों, मैं एक बार इसको रेज करता हूं और आपके सामने आ जाता हूं। चलिए, चलो, आप प्यारे बच्चों, मुझे ये उम्मीद है कि आप बच्चों को यह पता चल चुका है कि हमें सबसे पहले स्टडी मटेरियल होना चाहिए। गौर से सुनते जाना, सबसे पहले हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए ऑथेंटिक। फिर आप वो एक एक हफ्ते में डिवाइड करेंगे, एक एक हफ्ते में डिवाइड करने के बाद आप उसको पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बताया है किस सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रिंट निकालना है, किसका नहीं निकालना है। फिर उसके बाद फुल टेस्ट देने, एक दिन में एक टेस्ट देना है, फिर धीरे 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 अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है? तो अब अगर आपका कोई, आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे ऑनलाइन पेड बैच में नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कोई तो होगा। अगर आप बिगिनर हैं या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी दिया हुआ है, और मैं बता दूं हमारा लोगो, हमारा नाम बड़ी जगह पे यूज किया जा रहा है, उससे बच्चा वापिस नेगेटिव हो जाएगा तो वापिस हमारे साथ आ ही जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप ऑथेंटिक जगह पे, जॉब जड्डा अपोजिट साइंस कॉलेज, वहां पे मैं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे करके बच्चे लोगों पढ़िए, मेहनत कीजिए, एक महीने के अंदर अंदर आपने दिन रात मेहनत करनी है ताकि जो भी एग्जाम हो वो हो जाए। अब अगर कई जगह पे कुछ हो रहा है एग्जामिनेशन में गड़बड़, तो मैंने बहुत बार मैं खुद पर्सनली दफ्तर में गया, मैं जेके एसएसबी के ऑफिस में मैंने बात करी कि सर मैं एक फैकल्टी मेंबर हूं, मैं जानता हूं बच्चा कितनी मेहनत से जम्मू आता है, पेरेंट का खर्चा करता है, रहता है, बच्चे खाना खुद बनाते हैं, उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी बड़ी गलत बात है। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई मास्टर जी ये ऐसा कुछ नहीं है, मगर अब क्या कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो आप बच्चों से बस यही है कि आप मेहनत कीजिए। बच्चे लोगों, गीता कहती है कि हम किसी भी बच्चे की मेहनत जाया नहीं करते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म की जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। कुरान कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करना, फल देना मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस यही कहना था, मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।